समुदाय में विवादित यात्री प्रतीक्षालय को लेकर स्टे लगने के बाद नए तहसीलदार के द्वारा दोनों पक्षों को थाने में बैठाकर चर्चा की गई। शाजापुर जिले के सलसलाई में विवादित यात्री प्रतीक्षालय को लेकर स्टे लगने के बाद नए तहसीलदार के द्वारा दोनों पक्षों को थाने में बैठाकर चर्चा की गई। वहीं विवादित पड़े यात्री प्रतीक्षालय की भूमि पर जमीन मालिक अपना हक जता रहे हैं, तो वहीं एक पक्ष वहीं पर यात्री प्रतीक्षालय बनवाने की बात कर रहे हैं। इस मामले में थाने पर भी चर्चा में नए तहसीलदार कैलाश चंद मालवीय, थाना प्रभारी के चौबे, पटवारी ललित कुंभकार मौजूद रहे। वही चर्चा में तहसीलदार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही और कुछ विकल्पों पर भी चर्चा हुई। तहसीलदार ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जब तक निर्णय नहीं होता काम पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं दोनों पक्ष एक दूजे की बात मानने को तैयार नहीं हुए तो बैठक स्थगित कर दी गई। क्या मामला? एक्चुअली बैठक थी शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से, प्लस उसके साथ साथ में जो विवादित स्थल है और उसके विकल्पों पर भी विचार विमर्श किया गया है, ताकि कहीं कोई निर्णय निकल सके। लेकिन अभी क्या है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए जब तक न्यायालय से उसका निर्णय नहीं होता तब तक बीच शायद करना उचित नहीं रहेगा। अच्छा सर, इसी बीच दोनों पक्ष में से कोई भी अगर वहाँ पर जाता है या कोई काम लगाता है तो क्या उस मामले में? काम लगाने पर अभी प्रतिबंध है, क्योंकि वो विवादित स्थल और न्यायालय प्रक्रिया चल रही है, इसलिए अभी प्रतिबंध लगा रखा है, बंद रहेगा।